हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जो कि कल से होने वाला है ओपन। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें अप्लाई करना है, डे वन पे नहीं करना है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में धमाकेदार डिमांड निकल रही है, वो अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ में गाइज यहां पे बात करने वाला हूं एक नए आईपीओ के बारे में, नेटवेब टेक्नोलॉजी, जो कि धमाका कर सकता है। बहुत ही बढ़िया आईपीओ, बिजनेस बहुत ही शानदार है और यहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी देने में लग रही है। तो गाइस इसके बारे में बताने वाला हूं, फाइनल हो चुकी है डेट। साथ में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेंको गोल्ड लिमिटेड आईपीओ का अलॉटमेंट डिटेल, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो इन तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी बेहतर अपडेट आपको हमेशा हमारी तरफ से मिल सके। सो गाइस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिव्यू आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। क्योंकि गाइस ये रिव्यू देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा और डिसीजन इसके बाद ही बनता है आपका लेना। आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी को पैसा दे रहे हो वो कंपनी करती क्या एग्जैक्टली और कंपनी की वैल्यूएशन सारा कुछ कैसा है। तो डिटेल में चर्चा करी मैंने इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना। तो यहां पे गाइस डेट्स आपको बता दूं, 12 को ओपन होगा यानी कल ओपन होगा, 14th ऑफ जुलाई को क्लोज होने वाला है, 19 को यहां पे अलॉटमेंट और 24 को लिस्टिंग डेट। 10 की फेस वैल्यू पे ₹25 प्राइस बैंड रखा गया है, 5 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है आईपीओ का, जो पूरा साइज है। यहां पे गाइस इस आईपीओ का जो बिजनेस है वो आपको बता दूं कि पूरा का पूरा ये बैंक है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप इस तरीके से समझो कि ये पूरा बैंक है, जैसे HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, इस तरीके से। बस ये कंपनी जो है वो रूरल एरियाज पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है, छोटे सिटीज पे ज्यादा ध्यान देती है। और यहाँ पे मेजर इनका जो बिजनेस होता है वो लोन से होता है, डिपॉजिट ज्यादा इस बैंक में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रूल नहीं है डिपॉजिट करने का, डिपॉजिट करो निकालो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सारा कुछ नॉर्मल ही है। इवन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब भी ये बैंक देती है, ठीक है। इवन उन्होंने ICICI से टाई अप भी किया है अपना डीमैट अकाउंट के लिए, तो नॉर्मल बैंक जैसा ही है। बस यहाँ पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है छोटे सिटीज में, ठीक है, और ये लोन पे ज्यादा ध्यान देते हैं छोटे बिजनेसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिजनेस हो गया प्रॉफिटेबल है, सारा कुछ ठीक है, प्राइस पॉइंट बहुत ही जेन्युइन हमें देखने में लग रहा है। और इस आईपीओ में अगर जो अप्लाई करने का प्लान बना रहे हो तो मैं बोलूंगा डे टू डे थ्री के लिए रुको, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोइंग्स है ना वो बहुत ही ज्यादा है। तो बैंक्स में होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे जो QIBs होते हैं वो 1-to-1 बैठ के बात करते हैं इनसे, तब पैसा लगाते हैं। तो भाई QIBs को देखने के बाद इसे पैसा डालो, क्योंकि हमें सब कुछ ठीक देने में लग रहा है, बट बड़े प्लेयर की सेटिंग नहीं बनी और नहीं आए तो ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा, ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा तो आईपीओ पिट सकता है, ग्रे मार्केट में कितनी भी डिमांड निकलती रह जाए। और आई थिंक आप मेरी बात से अग्री कर रहे होगे। तो यहाँ पे डे टू डे थ्री पे ही जाना सही रहेगा, जब तक सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा नहीं हो जाता है। आप डे वन पे लगाओ, चाहे डे टू पे 11 बजे लगाओ शुभ समय पे, या डे थ्री पे 12 बजे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा तो मिलने के चांसेस अलॉटमेंट बेसिस पे ही रहते हैं, आप कभी भी लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लूं तो आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में करीब 17 से 18 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक का सबसे हाई है, ठीक है। और 18 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब है कि इस आईपीओ में करीब आपको 10,800 गेन देखने को मिल रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली 70-72% होता है इस पूरे आईपीओ के एक लॉट का, ठीक है। अगर जो एक लॉट इसमें अप्लाई करते हो तो करीब 72% लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, जो अभी हमें बता रहा है, ठीक है। तो 18 रुपए अगर जो 20 पार हुआ तो ऑलमोस्ट मान लो आप 80% प्लस चला जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड अच्छी है नो डाउट, बट बड़े प्लेयर का वेट हमें करना चाहिए सेफ्टी के लिए। बाकी आपका पैसा है आपको लगाना है, डिसीजन आपको लेना चाहिए, हम तो सिर्फ रिव्यूज देते हैं आपके सुविधा के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे आईपीओ की बात कर ले, बट उसके पहले गाइस आपने अभी तक टेलीग्राम हैंडल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने को मिल जाएगा आपको। देख लो आज के दिन भी यहां पे सीधे 8 इंट्राडे कॉल दी गई, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक मूवमेंट हमने कैच करने की कोशिश करी, बस 20 पॉइंट ही गेन मिला, दूसरी मूवमेंट कैच नहीं कर पाए। दोपहर तक तो मार्केट साइडवेज ही था, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाने लग गया SME IPO पे, अगर जो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ड्रोन डेस्टिनेशन नाम से और काका इंडस्ट्री नाम से। SME कैटेगरी के आईपीओ में कितना रिस्क क्या होता है सब कुछ उसमें मिल जाएगा। उस वीडियो के चक्कर में हमने मूवमेंट मिस कर दी, फिर कॉल नहीं दे पाए, लेकिन बढ़िया कॉल आज भी देखने को मिली। उसके साथ देख लो डेली आपको ऐसा नहीं मूवमेंट मिस कर देते हैं, 30 पॉइंट अगेन बैंक निफ्टी में, यहां पे भी 75 पॉइंट अगेन, यहां पे देख लो आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहां पे देख लो आपको इंट्राडे कॉल के साथ साथ 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 110 पॉइंट अगेन, यहां देख लो 130 पॉइंट अगेन। तो डेली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल देखने को मिल जाती है डेली, अलग अलग दिन का स्क्रीनशॉट है ये, आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। और एक अर्न भी करना चाहते हो जो डिसेंट आप, तो यहां पे कर सकते हो, कोई भी कॉस्ट यहां पे नहीं देनी पड़ती है, बढ़िया सपोर्ट भी हमारी तरफ से देखने को मिल जाता है, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंको गोल्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो गाइस सेंको का जो ग्रे मार्केट में वो हमें एक नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है, आज के दिन इसका अलॉटमेंट आना है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं
834 पे। तो फिलहाल अलॉटमेंट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आपको अलॉटमेंट जैसे ही आएगा इसी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। और एक दूसरा न्यूज चैनल है, डिस्क्रिप्शन नंबर 2 पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे इन दोनों जगह पे आपको शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही अलॉटमेंट आएगा सबसे पहले। तो फटाफट इनको ज्वाइन कर लो अलॉटमेंट के लिए, आज ही इसका अलॉटमेंट आना है। इसके बाद 14 जुलाई को उसकी लिस्टिंग होने वाली है, और कुछ इस आईपीओ में फिलहाल नहीं बचा। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी आपको एक दिन पहले जरूर मिल जाएगी अगर जो आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। यहाँ पे ग्रे मार्केट की बात करें तो हमें 135-140 की डिमांड देखने को मिल रही है, और 135-40 के ऊपर भी 2-3 रुपए की डिमांड निकलती दिख रही है कुछ सेंटर पे। तो यहाँ पे ये डिमांड अच्छी भी हो सकती है, 145-50 भी जा सकती है, और ये इसका नया हाई है। 140 का तो मतलब हाई लगा ही दिया, और 145 प्लस का इसका नया हाई लग जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड और निकल सकती है अलॉटमेंट के बाद। मैंने आपको पहले बताया था कि जब अलॉटमेंट होता है तो क्लियरली बाइंग होती है सामने से कि तुम्हें अलॉटमेंट मिला है मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ। तो उसके बाद डिमांड निकलती है ग्रे मार्केट में, ठीक है, अगर जो आईपीओ अच्छा है तो। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखो आप तो करीब 44-45% का लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं न्यू वेब टेक के बारे में। ये आईपीओ गाइस एआई कंप्यूटिंग से रिलेटेड बिजनेस करता है। जब इसका डिटेल रिव्यू करूंगा तो आपको बता ही दूंगा। 17 को ओपन होगा, 19 को क्लोज होने वाला है। 2 की फेस वैल्यू पे करीब 600 करोड़ का इशू शायद हो सकता है, इतनी ही डिटेल अभी आई है। कोई भी और डिटेल जैसे ही आएगी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आज 11 हो गया, 2-3 दिनों के अंदर ही या हो सकता है कल तक डिटेल देखने को मिल जाए आपको इसका। और चैनल पे सबसे पहले रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाओ। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी ठीक दी है। कुछ पूछना कमेंट में से पूछ सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है अगली वीडियो में, करते वीडियो का। थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।